Excel.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस इनकम टैक्स न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैमिली पेंशन पर इनकम टैक्स किस हेड के अंतर्गत लगता है और कितनी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर पेंशन और फैमिली पेंशन में फ़र्क किया गया है, यानी कि यदि एम्प्लॉय की लाइफ टाइम के दौरान जो अमाउंट पे किया जाता है उसकी रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर के द्वारा उसे पेंशन कहा जाता है, लेकिन यदि एम्प्लॉय की डेथ के बाद फैमिली मेंबर्स को पेंशन दी जाती है तो उसे फैमिली पेंशन कहा जाता है। यदि एम्प्लॉय की लाइफ टाइम के दौरान पेंशन दी जाती है तो उसे सैलरी हेड के अंदर टैक्स किया जाता है, लेकिन यदि एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद फैमिली पेंशन फैमिली मेंबर्स को मिलती है तो उस केस में वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स की जाती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। फैमिली पेंशन को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 57 में डिफाइन किया गया है। फैमिली पेंशन के लिए इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन भी मिलती है, यानी कि 15,000 रुपया या फिर एक तिहाई अमाउंट जो रिसीव किया जाता है, इन दोनों में से जो भी कम हो। इसके लिए आप सेक्शन 57 इनकम टैक्स एक्ट को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे के क्लोज 2A दिया गया है जो कि फैमिली पेंशन को डिफाइन करता है, यानी कि जहाँ पे कि रेगुलर मंथली अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उसके फैमिली को दिया जाता है तो उसे फैमिली पेंशन कहा जाता है। आइए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर राज की डेथ होने के बाद फैमिली पेंशन उसकी वाइफ को मिलती है, यानी कि 8400 रुपीज पर मंथ, जो तो टोटल पेंशन हुई साल की 1,08,000 रुपये। इस प्रकार इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितनी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है, इसके लिए आपको सेक्शन 57 को रेफर करना होगा, जो कि यह कहता है कि जो टोटल पेंशन रिसीव की गई है उसका 1/3 किया जाएगा, यानी कि 33,600, लेकिन जो मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है वो 15,000 रुपये तक ही मिल सकती है। इस प्रकार मिस्टर राज की जो वाइफ है उसके हैंड में जो इनकम टैक्सेबल होगी वो 85,800 रुपीज़ टैक्सेबल होगी एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स एप्लीकेबल फॉर दैट ईयर, और यह जो इनकम है वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर टैक्सेबल की जाएगी। फैमिली पेंशन के लिए इनकम टैक्स में एग्जम्पशन भी दी गई है, यानी कि यदि फैमिली पेंशन उस इंडिविजुअल के फैमिली मेंबर्स को मिल रही है जिससे न के सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में सर्विसेज रेंडर की हैं और उसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या फिर दूसरे ग्लेंट्री अवार्ड के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है और इसे ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया है। यदि इन इंडिविजुअल के फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिलती है यानी कि फैमिली पेंशन, तो वह इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट रहेगी। इसके अलावा आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 19 को भी रेफर कर सकते हैं, यानी कि यदि फैमिली पेंशंस विडो या फिर चिल्ड्रन या फिर नॉमिनेटेड हीयर्स को मिलती है आर्म्ड फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के केसेस में, जहां पे के इन केसेस में डेथ व्यक्ति की ड्यूटी के दौरान हो जाती है, लेकिन यहां पे कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं जिनके लिए कि आप रूल 2BA ऑफ इनकम टैक्स रूल्स को रेफर करना होगा। यह है रूल 2BA इनकम टैक्स रूल्स, यानी कि यदि इन कंडीशंस में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिलेगी वह इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट रहेगी। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। यदि आप अपनी ईमेल आईडी पर रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हमारी पुरानी इनकम टैक्स न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।